ਮਾਨੁਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਦੀ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਛੋੜਨਾ ਕਹਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਬੜਾਈ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਫਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਕਹਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਕੜਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ इससे पहले के थू करना पड़ता मैंने इसलिए ये स्टेप उठाया अच्छा कभी फील हुआ कि यार मेरी वैल्यू कम है यस अक्सर ऐसे होता था जब कोई छोड़ने वाला वापस आता था वो मुझे पीछे फेंक देते थे आखिरी 24 घंटे पहले भी ये नहीं सोचा था कि मैं छोड़ रहा हूँ आफताब इकबाल साहब गुस्से के तो वो पहले ही बादशाह हैं आपको पता है जी ऐसे मौकों पर उनको थोड़ा ना हाथ हौला रखना चाहिए जिन्होंने कहते हाथ हौला रख मुझे पर्सनल मैसेज करते ना तो और बात थी जब वो ग्रुप में 20 बंदे हैं अब सबने ग्रुप में सुनी कन्वर्सेशन फिर मैं टूट गया अंदर से अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शो अब खैर वो पाकिस्तान में नहीं हो रहा अभी हाल ही में उसको छोड़ने वाले बाबू राणा और इस वक्त सोशल मीडिया सेंसेशन तो बने हुए हैं और वजह सिर्फ ये है कि आप सिर्फ कहीं पे ये लिखें बाबू राणा लेफ्ट आफताब इकबाल तो वीडियोस जो हैं वो ट्रेंडिंग में हैं ये हर कुछ अरसे बाद बबू भाई जो एक्टर वहाँ पर काम कर रहा होता है फनकार काम कर रहा होता है वो ये चाहता है कि मैं ऐसी ट्रेंडिंग में आ जाऊं चलो फ्लाइट पकड़ता हूं और छोड़ देता हूं सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सुनो टीवी की तमाम देखने वालों को तो ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रेंडिंग में मैं तो ना चाहते हुए ट्रेंडिंग में आ गया हूं मुझे नहीं पता था इतना शोर पड़ जाएगा ये आपको अंदाजा तो था ना नहीं अंदाजा नहीं था मैं कभी अपने आप को इतना बड़ा आर्टिस्ट समझा नहीं है और ना मैं हूँ बस ये आफताब इकबाल साहब चूँकि खबरों में रहते हैं और उनका माशाल्लाह शो भी बहुत देखा जाता है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू पंजाबी समझी जाती है तो बस छोड़ के आया हूँ तो उस दिन से एक इंटरव्यूज़ का एक भरमार है मैं भी इंटरव्यू देता जा रहा हूँ मैं किसी को नाम क्या क्या सोच के इंटरव्यूज दे रहे हैं कुछ नहीं नाम ही ना हो रही किसी को अच्छा ये बताएं कि अगर ये कहा जाए कि सबसे ज़्यादा देर उस शो पर स्टे बाबू राणा ने किया जी ऐसे ही जितने बड़े अदाकार हैं आगा माजिद हनी अलबेला अपना जितने भी बड़े नाम ले लें ये आए कुछ देर रुके चले गए फिर वापस आए बाबू राणा गए तो 9 साल फिर वहीं पे गुजार दिए और फिर अचानक कैसे फैसला हो गया ये मैं ना चाहता नहीं था आफताब इकबाल साहब को छोड़ना अच्छा मैं बड़ा इस बात पे वो कायम था कि नहीं छोड़ूंगा तो बस ये एक बात तो ये है कि जितना दाना पानी लिखा हो इंसान का जहाँ पे इसमें मेरा अमल दखल नहीं है बस एक बहाना बनता है एक तो ये रीज़न है ठीक है सेकंडली रीज़न ये है कि वो कहते हैं ना ज़्यादा मीठा कड़वा हो जाता है वो हो गया था वो होना शुरू हो गया था इससे पहले कि अब थू करना पड़ता थू करना पड़ता हाँ तो मैंने इसलिए ये स्टेप उठाया तो अक्सर लोग तो काम करते हुए कड़वे घूंट भी भरते हैं कड़वा घूंट भर लेते वो मैंने कभी नहीं भरा अरे यहाँ से नीचे नहीं जाता ये वजह लेकिन मसाइल थे क्या अगर हम स्क्रीन पे देखें या जो हम शो देखते हैं वो 40 मिनट का उसमें अगर ये कहा जाए कि सबसे लाडला फनकार उसमें बाबू राणा था तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ कह सकते हैं आप ऐसा ही है ऐसा महसूस होता था हालांकि वो जो छोड़ के जाते हैं उनको ज्यादा मिस करते हैं ये कैसी बात है यानी उनका जिक्र ज्यादा होता है उनका जिक्र ज्यादा होता है उनके बारे में वो बात भी नहीं सुनते कोई अगर उनके बारे में बुरी बात कर रहा हो हाँ तो वो आगे से कह देते हैं कि नहीं ऐसा ना कहो इसी की वजह आई डोंट नो तो इससे कभी फील हुआ कि यार मेरी वैल्यू कम है यस अक्सर ऐसे होता था जब कोई छोड़ने वाला वापस आता था वो मुझे पीछे फेंक देते थे वो आपका फ्लैंक चेंज होता था पीछे चले जाते थे हाँ जी अक्सर ऐसे भी हुआ कि एक सेगमेंट में करता था SHO का जमील जैदी मेरा एक करेक्टर जी 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 वो जाने के बाद मैंने को 2-3 साल किया तो जब वो हमारे एक मेन आर्टिस्ट वापस आए उसी दिन उन्होंने मेरा वो गेटअप चेंज करवा के कहते तुम्हारी डिमोशन हो गई है तो तुम फिर खड़े हो जाओ सीट पे उसको बिठा दिया हालांकि वो शो जब वो आके सेट पे बैठा वो फिक्का तरीन शो था वो कौन आर्टिस्ट वापस आया था वो भी था उसको पता है जिसको मैं कह रहा हूँ तो आपने इसमें कोई एहतजाज नहीं किया ये तो पाकिस्तान का वाक्य पाकिस्तान पाकिस्तान का वाक्य एहतजाज मैं मेरी आदत नहीं है कहना मैं चुप रहता हूँ लेकिन रवैये में तब्दीली तो आ जाती है ना रवैये में जारी बात मैं इंसान हूँ लेकिन ये महसूस नहीं किया गया आगे से उसको फील नहीं किया गया तो इसमें पैसों का मामला भी था नहीं कुछ ऐसा खास नहीं था जब बाबू राणा ने पहली दफ़ा आफताब इकबाल को ज्वाइन किया और जो पहली सैलरी ली थी वो कितनी थी मेरी तकरीबन 1 लाख थी 1 लाख थी और अब जो आखिरी सैलरी ली तो इससे कितने गुना ज़्यादा हो चुकी थी वो मिलियन से अबव थी
लेन से अबव थी, तो ये आपकी मर्जी पे बढ़ती थी या उन वो खुद से बढ़ाते थे? मैंने आज तक नहीं उन्हें कहा मेरी सैलरी बढ़ाई। हाँ, मैं उनको ये कहता था कि सर मुझे फलां जगह से ऑफर है, ठीक है, तो अव्वल तो मैं नहीं कहता था, उनको पता चल जाता था कि भाई इसको ऑफर आ रही है, तो वो मुझे खुद कहते थे कि हाँ भाई तेन उधरों ऑफर आ रही। मैं कहना जी, तो मैं कहते सर मैं नहीं जाना, बहरहाल मैनू इन्ने पैसे कह रहे हैं, उस हिसाब ना मेरे मिलया जुलया जाने एक निजाम मेरा कुछ ऊपर नीचे कर देते थे, ऊपर नीचे कर देते थे। तो जितने पैसे भी मिल रहे थे कि आपके लिए बेहतर थे, ठीक थे? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर थे। जब मैं यार 1 लाख रुपया कमाता था ना, उस वक्त भी बेहतर था। मैंने आज तक किसी से हाथ नहीं फैलाया, अपनी मेहनत की है। जब मैं लाहौर में नया नया आया हूँ 2005 में, मैं यहाँ स्टेज भी करता था और अपने दिन को मैं काम भी करता था। मैंने मोटरसाइकिल के ऊपर तेल भी बेचा हुआ है, ये जो गंदा ऑयल होता है इंजनों का। तो मेहनत में मैंने कभी वो नहीं किया कि मैं मेहनत नहीं कर सकता, या खुदा ना खासा अब भी अगर कोई मौका ऐसा बन गया तो मैं कभी मेहनत से भागूंगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मजदूरों का बच्चा, यानी पैसे मसले नहीं, मसला नहीं था, मसला नहीं था यार। कुछ ना इंसान की होती है ना कि यार मैं इतनी वफा कर रहा हूं, तो रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए, रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा था। तो जहाँ इतनी मोहब्बत हो बहू भाई, वहाँ बंदा गिला भी तो कर लेता है। एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, कोई सुन नहीं रहा था। जब यहाँ से आप गए, पाकिस्तान से जब गए, मूव किए, वो क्या हालात थे वैसे, ये तो बताएं। पाकिस्तान से जब मैं गया हूँ, उस वक्त भी मेरे पीछे 3 चैनल्स थे कि ना जाएं, ना जाएं। सबसे बड़ा चैनल दुनिया टीवी मेरे पीछे था। ओके। उनका जो अभी नया शो शुरू है, उसमें उन्होंने मुझे कहा जी इतने पैसे हम किसी को भी नहीं दे रहे, इतने आपको ऑफर किया, आप ना जाएं। मैंने कहा नहीं यार, मैंने आफताब साहब के साथ मरते दम तक रहना है। जी, कहा आपने उनसे? मैंने कहा, मैं कहा मैंने छोड़, मुझे हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं काफ़ी, नासिर चिनोरी साहब जी जी, उन्होंने भी मुझे कहा कि तुम्हें अच्छी ऑफर मिल रही है, इसे मिस ना करो, छोटी सी मार्केट है, लोग खिलाफ हो जाते हैं। तुम कितने चैनल्स को इनकार करोगे? इनकार करोगे, पर यही छोटी सी मार्केट है, बिल्कुल बुलाना छोड़ देगा, लोग बुलाना छोड़ देंगे। मैंने कहा नहीं यार, मैं मुझे अच्छा नहीं लगता, चले गए बाहर। मेरे कभी भी ये दिल में नहीं थी कि मैं उनको छोड़ूंगा। वो हालात क्या थे, यहाँ क्यों नहीं रह सकते थे, प्रोग्राम यहाँ क्यों नहीं हो सकता था, आपसे क्या कहा गया? और हमसे कुछ नहीं कहा गया, उन्होंने यही कहा कि हम बाहर जा रहे हैं और वहाँ जाके हम इंशाल्लाह ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो 6 महीने मैंने वेट किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो क्या वादे थे? यही होता है ना कि वहाँ जाके हम बड़ा काम करेंगे, हम वहाँ बहुत ह्यूज सेट लगा रहे हैं, हमारे साथ इंडियन कोलैबोरेशन हो रही है और कपिल शर्मा आ जाएगा। अच्छा, ये भी कहा गया? हाँ, ये उन्होंने अनाउंस भी किया एक शो में। अच्छा, कि कपिल हार के नाम से हम शो करेंगे। हर बंदे को अपनी होती है कि यार चलो आगे बढ़ना चाहिए। वहाँ 6 महीने मुझे बैठ के ऐसे लग रहा था कि जैसे एक तो हमारा काम स्टार्ट नहीं हो रहा था, हम विलोक कर रहे थे, कभी उठे बह गए, कभी उठे बह गए, कभी समंदर। प्रॉपर काम नहीं था, प्रॉपर काम नहीं था। फिर जब प्रॉपर काम ना हो, हम चूंकि सेट पे खेलने वाले बंदे हैं, उनके चैनल की व्यूज भी काफ़ी गिर गए, तो फिर मेरे भी कहीं ना कहीं ये दिमाग में बात थी कि यार हुण ते लोग मैनू बुला रहे ने पाकिस्तान च, एक टाइम आना मैनू किसी ने नहीं बुलाना, तो मैं इस टाइम नू यूटिलाइज करा। तो तब आपने फैसला किया? मैंने तब ये फैसला किया। आपने अपने कुछ इंटरव्यूज में कहा कि मैंने नहीं छोड़ के आना था, मैं तो अपने एक अजीज की शादी का कह के पाकिस्तान वापस आया, और मेरे पास वीजा मैंने अपना लगवाया 2 साल का। अच्छा, ये आपने खुद लगवाया? जी, मैंने खुद लगवाया। जिस कंपनी में, उनकी कंपनी ने, प्रोडक्शन कंपनी, उसने लगवा के नहीं दिया? उसने 4 महीने हमें कहते रहे वीजे लग रहे हैं आपके, वीजे लग रहे हैं, वीजे आप सब कहते रहे। हाँ जी, और हमारी डील भी यही थी कि हम जाया करेंगे और 20-22 दिन बाद आपको पाकिस्तान भेजेंगे। ठीक है, 8 दिन घर रहे, फिर आ जाए वापस, ये हमारी डील थी। जाती ये डील थी। लास्ट टाइम मैं जब गया हूँ तो 4-4.5 महीने मैंने खुद भी नहीं उनको कहा और उन्होंने भी नहीं मुझे कहा कि यार तुम जाओ। अब फिर वही बात आ जाती, छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली है यहाँ पर, एक घर, फिर हमारे घर में वो कह ले मेरे अम्मी अबू भी नहीं है जिंदा, ना को मेरे साथ कोई बड़ा भाई रहता है, तो ना मेरे को लाहौर में इतने ज़्यादा रिश्तेदार हैं। तो वाइफ और बच्चों के लिए मुश्किल हो रहा था? वाइफ और बच्चों के लिए मुश्किल हो रहा था। तो हालांकि मेरी वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिया, उसने मुझे एक दफ़ा भी नहीं कहा कि आप छोड़ के आ जाओ। उन्होंने नहीं कहा? उन्होंने मुझे, बच्चों ने कभी कहा कि? बच्चे तो जारी बात, छोटे बच्चे मिस करते हैं, पापा कब आना है, ये करना। मैंने 4.5 महीने उधर रहा हूँ और मैंने एक दफ़ा मेंशन भी किया कि सर मैं खुद नहीं आपको तंग करना चाह रहा, लेकिन देखें 4 महीने हो गए, आपको खुद कह देना चाहिए, आपको खुद कह देना चाहिए अगर मैं नहीं कह रहा हूँ। यार चक्कर लगा के, यार चक्कर लगा, या तो बहुत काम की मारा मार हो ना, तो फिर मैं उधर रहता हूँ। और फजूल बैठ के सैलरी खाना भी मुझे
तो ये भी पसंद नहीं था? ये भी नहीं पसंद। तो अच्छी बात थी, पैसे मिल रहे हैं, व्लॉग बनाया दिन में एक, और दुबई घूमा, शारजा घूमा। अंदर से मुतमईन ही ना होता हूँ, समझे नहीं मुझे क्या था, मैं बैठा रहता, सैलरी दो, सैलरी दो, मैं खाई जाता। जब व्यूज गिरे तो सैलरी पे कट लगने भी कोई बात हुई? नहीं, कोई कट नहीं लगाए, वो सैलरी जो इन्होंने इतने साढ़े नाल जो तय थी वो उन्होंने दी, मिली मिली। जब आप पाकिस्तान से मूव किए बाहर के लिए, उस वक्त भी बहुत से लोगों ने टीम में से छोड़ा जो साथ नहीं गए, तो वो लोग उनके क्या मसाइल थे? क्या उनसे जो कमिट किया गया पैसे वो नहीं मिले, या उनका वीज़ा नहीं लगा जो कंपनी ने वादा किया था? आप तो अपना लगवा के चले गए। नहीं, मैं अपना लगवा के नहीं गया, लास्ट टाइम जब मैंने आना था उससे 7 दिन पहले मैंने अपना वीज़ा खुद लिया। अच्छा, अगर मैंने वापस आना होता या मैं किसी से झूठ बोल के आ रहा था कि मैं जी शादी पे जा रहा हूँ, अगर मेरे दिल में कुछ ऐसा होता तो मैंने 7,500 दिरहम क्यों भरना था? 7,500 दिरहम का मतलब है कि ऑलमोस्ट 6 लाख रुपया पाकिस्तानी। मैंने जब देखा कि यार ये मुझे खुला वीज़ा नहीं दे रहे, रहना मैंने इधर है, तो मैं अपना वीज़ा लगवाता हूँ, मैं जब मुझे 2 दिन भी मिले फ्री के लिए, मैं चक्कर लगाऊंगा, 2 लाख की टिकट है, मैं भर के चला जाया करूँगा, 2 दिन घर रह के फिर वापस आ जाया करूँगा। मेरा यहाँ तक था, तो बस फिर कुछ ऐसा लास्ट डेज में कुछ ऐसी, वही आपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने आखिरी दिन भी ये नहीं सोचा था कि मैं पाकिस्तान से वापस नहीं आऊंगा, लेकिन आखिरी 24 घंटे पहले भी ये नहीं सोचा था कि मैं छोड़ रहा हूँ। 24 घंटे में क्या हो गया ऐसा, किसी ने क्या कह दिया? बस वो मैं बात अब छोड़े इस बात को, जो भी देखे कोई बातें ऐसी होती हैं जो किस पे दिल टूट गया कि आपका बस यार अब नहीं होगा। हाँ, बस कुछ ऐसा ऐसी बातें हुई ना, मैं भी तो यार इंसान है ना। बिल्कुल सही है। तो क्या आपकी पर्सनल लाइफ को हिट किया गया, आपकी पर्सनालिटी को हिट किया गया, क्या हुआ? बस जो भी हुआ मैं अब इस बात को नहीं मेंशन, आपकी आंखें बता रही हैं लेकिन आप नहीं बता रहे। बस समझ जाएंगे। लो ये चीजें हुई, काफी कुछ हुआ, और डायरेक्ट बॉस की तरफ से हुआ। यस, नहीं उन्हें उन्हें क्या फील हुआ कि बब्बू कुछ सोच रहा है, बब्बू कहीं डील कर रहा है? आफताब इकबाल साहब का मैं तो उनको समझता हूँ, काफ़ी अरसा उनके साथ गुजारा है, गुस्से के तो वो पहले ही बादशाह हैं, आपको पता है जी। ऐसे मौक़ों पे उनको थोड़ा ना हाथ हौला रखना चाहिए, जिन्हों कहते हैं हाथ हौला रख, या गुस्से में होश को बैठते हैं, जोश में नहीं। जोश में उन्होंने काफ़ी मतलब कि ना बातें ऐसी की जो गाली तो नहीं दे दी, ना गुवार गुजरी, गाली तो नहीं दे दी? नहीं, गाली नहीं दी, गाली नहीं दी, वो कभी गाली नहीं देते। अच्छा, वो मुझे पर्सनल मैसेज करते ना तो और बात है, जब वो ग्रुप में 20 बंदे हैं, अब मेरे जूनियर्स भी हैं ग्रुप में, जो एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें ये बातें हुई जी, तो कुछ उसमें ऐसे बंदे भी होते हैं 20 बंदों के ग्रुप में जो आपके खिलाफ होते हैं जी, बिल्कुल जो ये चाह रहे होते हैं कि यार ये काम खराब हो, उनको मौका मिल गया, जारी बात है, सबने ग्रुप में सुनी कन्वर्सेशन, फिर मैं टूट गया अंदर से। आपने उसको कोई जवाब दिया ग्रुप में? मैंने कोई जवाब नहीं, मैंने कहा सर आप इजी हो जाओ, सिर्फ इतना कहा, नो प्रॉब्लम, मैंने कहा आप इजी हो जाओ मैं कर लूंगा। तो बस यहाँ पे सोच लिया कि अब बब्बू नहीं आएगा वापस। फिर मैंने वहाँ फैसला किया अपना, 1.5-2 घंटे लगा के मैंने चारों तरफ देखा है घूम के मुझे क्या करना चाहिए, मैंने फिर अल्लाह का नाम लिया और डाइव कर दी। तो वहाँ जब आप बैठे थे 1.5-2 घंटे, तो टीम लोग के मेंबर से किसी मशवरा किया, पाकिस्तान में किसी को फोन किया? किसी से नहीं मशवरा किया, अकेले फैसला किया जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब फैसला कर लिया अब यहाँ पर आ गए, तो जो सीनियर थे उन्होंने क्या कहा, अच्छा कराए हो बुरा कराए हो? मैं किसी को मिला ही नहीं अभी तक, फोन शोन मुझे आए हैं लोगों के, मिले जुले से कमेंट्स हैं सबके, कोई कहता अच्छा किया, कोई कहता बुरा किया, मैं अपने आप से मुतमईन हूँ यार। तो जब आपने ये ऑफिशियल किया कि अब मैं नहीं जाऊँगा वापस, तो आफ्ताब साहब ने कोई रब्ता किया उसके बाद? नहीं, उनका कोई मैसेज नहीं है, कोई टीम में से किसी ने रब्ता किया, आफ्ताब साहब ये कह रहे थे, टीम में से भी किसी ने रब्ता नहीं किया, कोई रब्ता नहीं हुआ, किसी ने ये नहीं कहा यार बैठो अपने इस्तीफा खत्म करें, काम करना है हमने। मैं जब आ रहा था एयरपोर्ट की तरफ, मेरे साथ था प्रोड्यूसर हमारा फहीम, उसने मेरी गाड़ी में साथ ही था, उसने मुझे बड़ा कहा कि राणा साहब जान दो, गुस्सा थूक दें, उसने कहा जाने, मैं कहा नहीं यार एंड हो गया। तो ये पहले जितना अरसा वहाँ रहे तो पहले भी ये बात होती थी इस तरह की, कभी हिट कर दिया, अटैक कर दिया? काफी दफा, मैंने तो उनको उस्ताद माना है, मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा मैंने उनकी बात को बर्दाश्त किया और सुनी उनकी बात। इवन के एक दफ़ा का वाकया है कि वो मुझे वैसे चार्ज करने के लिए भी आए। अच्छा, मेरे ऊपर मतलब हिट करने? हाँ, मारने के लिए? हाँ, तो मैं आगे से नहीं हिला। वो ऐसी क्या बात हो गई? इधर सेट की बात है, पाकिस्तान में ही? पाकिस्तान में। ऐसी क्या बात हो गई? बस कोई थी बात, वो गुस्से में आ गए, अपने सेट अपनी सीट से उठे, वो मेरी तरफ बढ़े हैं जहाँ पे आप मिनी थिएटर करते हैं। हाँ जी, और मेरे वो ऊपर इधर आगे खड़े हो गए। किसने रोका? किसने नहीं रोका, मैं स्टिल बैठा रहा, मुझे उस वक्त शक था कि ये मुझे मारेंगे, लेकिन फिर वो उनको पता नहीं क्या, वो रुक गए या शायद।
अच्छा, अमूमी तौर पे उस सेट पे कहीं ये तासर होता है कि फनकार ये बताया जाए कि मैंने ही तुम लोगों को बनाया है और मेरी वजह से तुम लोगों को लोग देखते हैं, मेरी टीम का हिस्सा हो, या तजलील में ये ऐसा छोटा दिखाने की कोशिश करना? ऐसा आफ्ताब इकबाल साहब ने कभी नहीं कहा कि मैंने आपको बनाया। हाँ, लोग कहते हैं जब कमेंट्स बॉक्स में या देखने वाले कहते हैं जी उनको बनाया, बनाती अल्लाह की ज़ात है मेरे भाई, पहली बात ये है। उसमें किसी का अमल दखल ये हो सकता है कि आपको कोई एक वे दे देता है, रास्ता दिखा देता है, भागना उस पर आपने है। अब मैं किसी और बंदे को रास्ता दिखा दूं, वो ना भागे, ये होता सब कुछ अल्लाह की तरफ से। हाँ, लेकिन ये कभी ये महसूस हुआ कि वहाँ पे फनकार की तजलील वगैरह का तासुर दिया जा रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो आपके फनकार छोड़ के जाते रहे, अनिल बेला ने छोड़ा, नासिर चिन्नौटी ने छोड़ा, उनके फाइनेंशियली मसाइल थे काफी, वो पैसों के लिए छोड़ जाते रहे? मे बी की, बल्कि कंफर्म उनकी मर्जी के पैसे नहीं मिल रहे थे। हाँ, तो अभी जहाँ आपने डील की है, डबल पे गए हैं, ट्रिपल पे गए हैं, कितने? बहुत अच्छी डील हुई है मेरी। उन्होंने ये नहीं कहा वापस आ जाए, इतने पैसे दे देते हैं? नहीं, अब कोई चांस नहीं वापस जाने का क्या है? मैं तो यही कहूँगा कि अगर मुझे फ्यूचर में कभी, हाँ, वो उनका शो पाकिस्तान में आ जाए, फिर मैं उनके साथ हूँ। तो इतनी देर दुबई या पाकिस्तान से बाहर, मेरे ना यहाँ के जो वो कहते ना उतलियाँ दिहाड़ियाँ, मैं जैसे मेरे कॉमेडी के इवेंट्स होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी जी, या मेरे क्वाली के इवेंट्स होते हैं, या कहीं गेस्ट चले गए, वो वहाँ पे मुमकिन नहीं हो पा रहा, वहाँ पे मुमकिन नहीं हो पा रहा। बात तो पैसों पे आ गई ना, जारी बात है, पैसे के लिए निकले आप भी, इंटरव्यू पैसे के लिए कर रहे हैं ना, मतलब कि ये चलेगा, कंपनी को फायदा होगा, आपको दाद मिलेगी, समझे? नहीं, तो सारी दुनिया पैसे के लिए घूम रही है, जो कोई बंदे मोटरसाइकिलों से गड्डियां से बंदे निकले पैसे वास्ते निकले, क्योंकि पैसा जरूरत है। तो जो आखिरी व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपको कहा गया, उसकी बुनियाद कहीं ये तो नहीं थी कि अब तुम इतने पैसे मांगोगे और ये करोगे, मैंने तुमको 1 लाख से 1 मिलियन तक पहुंचाया है, उसकी वजह ये तो नहीं थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं यार, एनी की गल हुई है बस। अच्छा, इतनी सी बात? वो बात मुझे तीर कर गई, हालांकि मेरे पास उससे ज्यादा पैसे थे। अच्छा, अपने जाति वो बस एवे ही ना, वो कह लें कि गुस्सा कर गए, बहरहाल कोई मसला नहीं। अच्छा, किसी ने ये भी कहा कि वहाँ पे कोई ऐसा वाकया हुआ कि बब्बू राणा रोते रहे और पैदल एक जगह से दूसरी जगह सफर करते रहे, ये क्या वाकया था? अजमान से उस दिन शारजा पैदल आया हूँ, कोई ऑलमोस्ट 2 घंटे 1.5 घंटे पैदल। क्या हुआ था? बस मैं टूट गया था ना अंदर से, फिर मैंने डिसीजन लेना था कि मैंने, ये उसी मैसेज वाली बात है, उस मैसेज के बाद की बात है। अजमान से शारजा पैदल आया? हाँ जी। और रोते रहे सड़क पे चलते हुए? रोते कह रहा हूँ बस, हल्का फुल्का अपने आप से कुटता रहा हूँ, यार एडे भी की हो गया, एडा भी तुम नहीं, मतलब एडी भी कोई गल नहीं है, एक बार छाल मारते सही, देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, अल्लाह वारिस। तो अपने फैसले पे खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा खुश हूँ। हमारी भाभी या बच्चों ने तो नहीं कहा कि फैसला नहीं करना चाहिए था? सबसे जो मुझे सुकून है कि मैं अपने बच्चों के पास हूँ, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो इस वक्त मैंने देखा है फील्ड में बड़े बड़े फनकारों को जो जिन्होंने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, वो 20 साल बाद पछताए हैं, क्योंकि बच्चों के अपने नज़रियात बन जाते हैं, जो हमारे ज़मीनी इकाएक हैं पाकिस्तान के, हालात हैं, जो उस तनाजुर में देखा जाए तो बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। तो हम शुरू से ही, ख़ानदानी काम नहीं है मेरा, ये मेरा सूफी घराने से ताल्लुक़ है, मेरे बड़े भाई अब भी फैसलाबाद में इमाम मस्जिद हैं, मेरे वालद साहब मौजन रहे हैं कोई 20 साल एक मस्जिद के, और कारी फैमिली से मेरा ताल्लुक है, मैं खुद भी कारी हूँ, मेरे पास कारी की संत भी है, मैंने किरत उस्ताद करामत अली नईमी साहब से अच्छा सीखी है। तो इसलिए ना फिर वो निज़ाम नहीं है, मुझे घर की तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान था पीछे। तो कारी बाबर जी और फिर बब्बू राणा जी, कितने साल लगे इसमें? तकरीबन 25 साल। और कब पहली दफ़ा सोचा कि यार मैंने स्टेज करना है, थिएटर करना है, मैंने वो बात करनी है इसको सुन के कोई हंसे? ये मैं 97 में एक प्ले किया था, हादसाती तौर पे मैं स्टेज पे आया था। कैसे? मैं उस ड्रामे का था राइटर एंड डायरेक्टर। अच्छा, लिख रहे थे? लिख रहा था, तो स्क्रिप्ट मैंने लिखा, रिहर्सलिंग कराई, टीम मेरे साथ थी। किस शहर में थे? फैसलाबाद की बात है। ठीक है। तो जो उसमें जो मेजर बंदे का रोल था ना, जिस बंदे का मेजर रोल था, उसने जब ऐसे ऑडियंस देखी ना शो वाले दिन, तो वो घबरा के भाग गया। इतनी ऑडियंस थी? हाँ। मैं क्या करूँगा यहाँ पे?
तो वो भाग गया, तो अचानक उस वक्त हमें समझ ना आया अब क्या करें। फिर वो मैंने उसका गेटअप किया फौरन, क्योंकि मैंने लिखा हुआ था सारा स्क्रिप्ट, मुझे याद था, उसे डायरेक्ट भी मैं ही कर रहा था। तो इस तरह मेरे स्टेज पे एंट्री होगी। तो उसके बाद फिर चल सो चल 1997 में स्टेज पे कदम रखा और किसी भी तरीके से आज भी खैर नहीं उतरा, आज भी परफॉर्म कर रहे हैं। थिएटर में कर नहीं रहा हूँ तकरीबन पिछले 12 साल से, थिएटर को मैंने खैर बात कह दिया है। इस पर करते हैं बात, लेकिन फिर 2005 में लाहौर आए। 2005 में लाहौर आया तो वो फैसला क्यों किया? लाहौर आने का, मेरी शादी हो चुकी थी इधर लाहौर में ही। अच्छा, पसंद की शादी थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कारी बाबर के वाले जो इमाम मस्जिद भी रहे, भाई अभी भी इमाम है, तो वो रिएक्शन क्या आया घर से? निकाल दिया घर वालों ने कि जाओ भाई? नहीं निकाला, बस उन्होंने थोड़ा बहुत होता है ना समझाया। वाले साहब ने क्या कहा? वाले साहब ने मेरे साथ प्यार ही किया, प्यार। मेरे भाई मुझ पर गुस्सा हो गए, मेरे वाले साहब ने कहा यार छोड़ दो, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कितना अरसा लगा भाइयों को दोबारा समझने में कि ये जो फन का काम है ये भी अच्छा काम है? कुछ भाई तो अभी भी नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे 25 साल गुजरने के बाद भी नहीं समझे। हाँ। मतलब दुनिया में आप कहीं जाएं, जो बंदा उर्दू समझता है, जो पंजाबी समझता है, उसे आप कहीं बब्बू राणा, हाँ। तो बब्बू राणा भी समझता है, हाँ, ऐसा ही। फिर भी वो नहीं समझे, हाँ, नहीं समझे, कोई बात नहीं, कह रहे। तो कोशिश करते हैं फिर कभी मिलने, जाता हूँ फैसलाबाद, सबसे मुलाकात भी करता हूँ, मिलता भी हूँ, लेकिन वो भी इसको अच्छा काम नहीं समझते। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो 2005 में पसंद की शादी की और लाहौर आ गए जी। और क्या सोच के आए थे कि यहाँ पे बड़ी ऑडियंस मिलेगी, ज्यादा पैसे होंगे? ऐसा ही मैं अपने, कौन ले गया लाहौर आपको? मुझे अल्लाह जन्नतों में घर करे इजाज हैदर साहब, हमारे डायरेक्टर थे लाहौर में, वो लेकर आए थे। और नसीम विकी साहब का ड्रामा था वो 2006 में गालबन, उससे पहले मैं छोटे छोटे थिएटर इधर का अलहमरा में, नाज थिएटर में, इधर उधर जो मेरा बाकायदा एक कह लो कोई छक्का था ना, छक्का था जी जी, वो था महफिल थिएटर में ड्रामा मिस वर्ल्ड 2005 का ही नसीम विकी साहब का प्ले था। नसीम विकी साहब ने मुझे बहुत हेल्प किया, मोहसिन है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी वो उन्होंने आपको ज्वाइन करवाया देशबुक? नहीं, वो मैंने डायरेक्ट ही किया, कहीं पे उनकी मदद हो रही होगी, मशवरा दिया होगा, उन्होंने कहा होगा कि हाँ अच्छी बात है। तो आपने मशवरा किया उनसे? मैंने मशवरा भी किया। नसीम विकी ने भी आफ्ताब का काम किया? बहुत थोड़ा बहुत। तो वो उनका मिजाज नहीं मिला? नहीं मिला। अमानुल्लाह साहब कहते सी कि आफ्ताब इकबाल तेरे ना वो काम करे जिन्हों दादी दी बात दुआ जा पुत्र तेरी तबाही हो, तेरा खाना खराब हो जाए। वहाँ कोई पर्सनल लाइफ नहीं रहती? हाँ, नहीं रहती, बस आप सोशल एक्टिविटी से आप कट हो जाते हैं, बस आप रिकॉर्डिंग किए जा रहे हैं, बस रिकॉर्डिंग। मैं तो उनके 5-6 शो वो करते थे अपने यूट्यूब चैनल पे, मैं सारे ही शो करता था। मैंने उनके कैफे में क्वाली भी की, गाने भी गाए, पेड पैसे मिले? हाँ, पैसे तो मिले जारी बात। तो फिर 2005 में उस शो से एक लोग जानना शुरू हो गए, जानना शुरू हो गया। फिर 2011 में जो मेरे लिए एक बूम, मेरा कह लें कि जहाँ से मैंने हाईलाइट हुआ हूँ, वो था मेरा एक आइटम आया था बिजली जी, मेरे मुल्क दी बिजली। उस वक्त लोड शेडिंग बहुत ज्यादा, जुगनी की पैरोडी मैंने की थी, कोक स्टूडियो का नया नया जुगनी बहुत उस वक्त हिट था, वो मैंने पैरोडी की, एक्सप्रेस न्यूज पे चली वो, तकरीबन 6 महीने वो चलती रही। उससे मुझे काफी हाइप मिली। फिर उसके बाद मैं सुहेल अहमद साहब का शो ज्वाइन किया, हसबे हाल, वो मैंने को 3-4 महीने किया। फिर एक और चैनल पे एक हद अदब के नाम से शो शुरू हुआ 92 पे, वो किया। फिर सुहेल अहमद साहब के बाद वापस आ गया, वहां से फिर मुझे आफ्ताब इकबाल साहब ने उठाया। ये बात है 2015 की, 15 से लेके 2023 तक, 23 खत्म हो रहा है, 23 के 10वें महीने तक, 11वें महीने तक मैं उनके साथ रहा। स्टेज क्यों छोड़ दिया, थिएटर क्यों छोड़ दिया? स्टेज मैंने इसलिए छोड़ दिया कि स्टेज अब उस मियार का नहीं हो रहा, फैमिली नहीं आ सकती, फैमिली नहीं आ, मैं अपने बच्चों को नहीं दिखा सकता, किसी के बच्चों को मैं क्या दिखाऊं? बात तो वो है ना कि मैं अपने बच्चों को भी जाके दिखाऊं कि बेटा देखो मैं क्या कर रहा हूं। आप ये समझते हैं कि अभी हमारे जो आर्टिस्ट थिएटर करते हैं इन्हें ये चाहिए कि अपने खानदान के लोगों को भी बिठाएं ऑडियंस में के देखें हम ये करते हैं? उनको चाहिए बिठाना, लेकिन वो खुद नहीं बिठाते क्योंकि उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो जितने आप हैं, इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं, सुहेल अहमद साहब हैं, ये जितने बड़े नाम हैं, नासिर चनियोटी, ये सब ये तो कहते हैं कि स्टेज बुरा हो गया है, लेकिन उसको ठीक किसने करना है? इन्होंने ही करना है। कैसे? वो अब इनको पता है कैसे। तुसी नहीं करना नाल? मैं तो छड़ता है,
दोबारा नहीं आएंगे अगर ये लोग दोबारा बेहतरी का काम करें? बेहतरी का काम, अगर मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा, हाँ मियारी काम शुरू हो जाए, मैं थिएटर का बंदा हूँ, मैं मुझे थिएटर पे काम करके मज़ा आता है। थिएटर एक एनर्जेटिक एक्टिविटी है, सामने फॉरेन ऑडियंस रिस्पांस मिलता है, एनर्जी आती है। अगर थिएटर अच्छा होना शुरू हो जाएगा तो हम जरूर करेंगे इंशाल्लाह। सुना आपने माशाल्लाह नया घर बना लिया? बन रहा है अभी। बन रहा है? हाँ जी। तो ये इतने पैसे फिर इसी शो से बनाए? अच्छा, ये मुझे काफ़ी लोग कहते हैं जी आफ्ताब इकबाल की वजह से घर बन गया। मेरी बात सुने भाई, मैं अगर आफ्ताब इकबाल साहब के अलावा भी कहीं जॉब कर रहा होता तो ये मैं अपनी सेविंग करके घर बनाया। मैंने कोई आफ्ताब इकबाल साहब की जेब काट के घर नहीं बनाया। मैं उसे मेहनत की थी यार। काम किया, उसकी सैलरी ली है। मैंने सैलरी उड़ाई नहीं दूसरे फनकारों की तरह। अच्छा, देखा आपने लोगों को उड़ाते हुए? ऑलमोस्ट 80% लोग कुछ नहीं बनाते आर्टिस्ट। ये बहुत अलमिया है। और आखिरी जिंदगी में फिर वो हमें अफसोस होता है, हमारे मुल्क का फनकार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना सेविंग की और सेविंग करके मैंने अपना घर लिया, घर बन रहा है अब। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में रहते हुए कोई बुरी लत नहीं लगी, शुक्र है। मैं हर चीज़ से दूर भागता हूँ, तो कोई ऐसा वैसा गलत एक्टिविटी में शामिल नहीं हुआ। तो इस 25 साल के करियर में कोई एक ऐसा वक्त भी आया हो जब बाबू राणा अपने बिस्तर पर लेटे हों और ये सोचा हो कि यार ये क्या कर रहा हूँ, ये मुश्किल है यार? मुझे कभी कभी याद आता है, एक बुजुर्ग मुझे मिले दरबार में, गया इधर बीबी पाक दामन सरकार, वहाँ पर एक बुजुर्ग मुझे मिले, दोबारा कभी नज़र नहीं आए वो। मैं ऐसे जा रहा था, अचानक वो मेरे ऐसे सामने आ गए, तो मैंने ऐसे उनसे मेरी आँखें चार हुई, तो उन्होंने मुझे एक वर्ड कहा, सिर्फ एक लफ्ज, और वो चले गए। वो मुझे कभी कभी ना दिमाग में आता है। और वो क्या कहा उन्होंने? मुझे ऐसे देख के कहते, ओए तू तो दुनिया से कुछ और करने आया। अच्छा, क्या कहते? निकल गए। और उस वक्त थिएटर कर रहे थे? जी मैं थिएटर भी कर रहा था और टीवी भी कर रहे थे। तो मैंने कहते, ओए तू तो दुनिया से कुछ और करने आया। तो मैं उन्हों का फिक्रा सुन के ऐसे साकन हो गया। तो वैसे ही मुझे क्रॉस करके निकल गए। दोबारा कभी नहीं मिले? दोबारा कभी नहीं मिले। तो फिर कभी सोचा है कि जो कर रहा हूँ ये इसी में सुकून है या कुछ और करना था? किसी चीज़ की जुस्तजू है, कुछ ढूंढ रहे हैं? ढूंढ रहा हूँ कुछ ढूंढ रहे हैं। हाँ जी। और वो इससे हटके होगा, स्क्रीन से, अदाकारी से? हाँ, इससे हटके होगा इंशाल्लाह। होगा वो नज़र आएगा, मतलब पता चलेगा कि वो सिर्फ आपका अपना मामला है? मे बी वो नज़र भी आए। दूसरी शादी नहीं कर रहा है? नहीं नहीं, दूसरी शादी नहीं। मेरा ना सूफीज़म की तरह बहुत रुझान है। और मुझे लगता है कि बल्कि मेरी ख्वाहिश भी है कि मैं क्वाली की तरफ जाऊंगा। क्वाली की तरफ जाऊंगा। खुद लिखेंगे भी और फिर उसको गाएंगे? कंपोज भी करूंगा, खुद लिखूंगा भी, और हो सकता है मेरा उसमें। तो अभी क्वाली के इवेंट दोबारा शुरू हो चुके हैं? हो चुके हैं। कुछ किए भी हैं? मैंने दो इवेंट किए भी हैं, अब भी है, दो तीन और भी हैं पाइपलाइन। ये साथ करते रहेंगे? जी करता रहूंगा। जनाब बाबू राणा साहब बहुत शुक्रिया Welcome. आपके वक्त का Welcome. और हमने कोशिश की कि वो तमाम चीज़ें पूछने की कोशिश करें जो आप ऑडियंस देखते हैं, आपका सवाल है आप कमेंट बॉक्स में डालते हैं, हम वो सवाल उठा के अपने गेस्ट के सामने रख देते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।